देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। जन जुड़े थे, कह रहे थे राशन मिला, चने में कीड़े मिले, कीड़े। उसके बाद कोई रोता है कि सड़क का हाल देखिए, कोई कहता है कि मेरे घर के बाद नाले का हाल देखिए, कोई कहता है ये हैंडपंप लगा था लेकिन नहीं चला, कोई कहता है सड़क की हालत इतनी खराब है कि रोड तक जाना, गंतव्य तक जाना तक मुश्किल है। खूब रोए और अब नेता रो रहे। कोई तो रो रहा है कि उसका टिकट नहीं मिला, कोई तो रो रहा है कि उसको उस पार्टी में नहीं लिया, कोई रो रहा है कि फलानी पार्टी से मुझे निकालकर बाहर कर दिया। सब रो रहे हैं और जो हंस रहे वो ये कहते हुए हंस रहे हैं कि फला पार्टी में कुछ नहीं था, किसी गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, बेरोजगार के लिए, महिला के लिए, दलित के लिए, ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं था। अब मैं इधर आया उधर मिलेगा। अब उनसे कोई पूछे 5 साल खूब मलाई खाने के बाद अब मक्खन खाने कहीं और चल दिए। और दर्शकों एक बात मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट रूप से एक बात, इसको समझिए कि जब तक जनता माने आप जब तक पैर छुलवाना बंद नहीं करेंगे ना नेताओं से, ये जो 5 साल के बाद आप चुनाव के वक्त जो खुशी खुशी पैर छुलवाते हैं ना, ये जब तक बंद नहीं करेंगे, जब तक दारू पीकर वोट देना बंद नहीं करेंगे, दारू लेकर वोट देना बंद नहीं करेंगे, जब तक पैसा लेकर वोट देना बंद नहीं करेंगे, जब तक जाति के नाम पर वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक यूं ही रोएंगे, रोज रोएंगे, सुबह रोएंगे, शाम रोएंगे। कभी आपने किसी आईएएस पीसीएस या मैं कहूंगी वरिष्ठ पत्रकार को भी देखा है आपके पैर छूते हुए? कभी आपने सुना कि कोई आईएएस जो 22-25 साल का हो उसका चपरासी 50-60 साल का हो वो जाकर उसके पैर छुएगा क्या? कभी नहीं छूता, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस आपसे नहीं है तो वो दिखावा नहीं करता। नेताओं का एग्जिस्टेंस आपसे, इसलिए हर 5 साल के बाद जैसे ही परीक्षा आती है सबसे पहले आपके चरणों में दिखते हैं। और इनका बस नहीं चलता, अगर बस चले तो जब गांव देहात में जाते हैं तो बकरी के पैर छूले, गाय के पैर छूले, भैंस के पैर छूले, जो इनके रास्ते में आए उसके पैर छूले। तो जब तक ये पैर छूते रहेंगे तब तक आप समझ लीजिए कि टोपी आपको पहना ही जाए, आप टोपी पहनते रहेंगे और यूं ही इस कदर ही टोपी पहनते रहेंगे। और जनता चुनाव के वक्त बातें करती है मुद्दों की, जनता वही जनता है जिसके खुद के मन में उनका काबू नहीं, जो कल तक बस ये सोचती है कि मेरे मौसी चाचा ताऊ ताई भतीजी के लड़के बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके एग्जाम में कितने नंबर आए, इसी को लेकर परेशान है, इस चीज को लेकर परेशान है कि फलाने ने अभी तक शराब छोड़ी कि नहीं छोड़ी, और नहीं छोड़ी तो मार दे 4 ताने, और छोड़ दी तो फिर भी मारेंगे 4 ताने। तो जो सब लोग इन चीजों में परेशान है और नेता अलग परेशान है, इसी पर आज मैंने सोचा बातचीत करेंगे, इसी पर आज मैंने सोचा कि चर्चा करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि ये मजाक नहीं तो क्या है, मजाक नहीं तो क्या है कि नेता खुद के भविष्य की चिंता करते हुए, खुद की महत्वाकांक्षाओं की चिंता करते हुए, खुद को हितों को ध्यान में रखते हुए, खुद के लाभ को ध्यान में रखते हुए पार्टी बदल रहा है तो खुशी खुशी एक स्क्रिप्ट दे रहा है, स्क्रिप्ट कह रहा है ना तो दलित, ना वंचित, ना शोषित, ना पिछड़े, ना ओबीसी, ना महिला, ना बेरोजगार, ना व्यापारी, किसी का इस पार्टी में हित नहीं, और जो इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है वो भी सेम स्क्रिप्ट बता रहा है। जनता तो मने में मतलब मूर्ख की प्रकाष्ठा है, और अगर जनता मूर्ख नहीं है तो मैं मूर्ख हूं, और मैं मूर्ख नहीं हूं तो कोई और मूर्ख है, कोई ना कोई तो मूर्ख, क्योंकि बातें तालमेल नहीं रखती, बातें मेल नहीं खाती। और वो समाज सेवी, क्या कभी आप इस बात को सोच सकते हैं कि कभी कोई गरीब कोई निर्धन टिकट पाकर चुनाव लड़ सकता है जिसका सच में हित हो? वो समाजवाद चला गया जब लोहिया साहब दिल्ली की सड़कों पर बस लेकर, बस पर बैठकर सफर करते थे, जब जेपी साहब दिल्ली में बसों पर सफर करते थे लटक कर, वो समाजवाद नहीं रहा। ये समाजवाद है चमचमाते कमरे, सफेद पेंट वाले, ट्रिपल पेंट सफेद वाले कमरों में रहने वाले लोग समाजवादी, या फिर ये लोग जो हिंदू हिंदू की बात करते हैं, जो आप दलितों के खाना खाते दिख रहे हैं? मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देता हूं,
मुकदमा हो जाए बरोबर, केस हो जाए स्वागत है, लेकिन एक बात तो सुनिए, जो लोग दलितों के यहां खाना खा रहे हैं वो खाना खाइए जो दलित सच में खाते हैं, वो खाना खाइए जो दलित सच में खाते हैं। दलित बासी रोटी खाते हैं, खाइए। जो निर्धन है, जो गरीब है, बासी रोटी खा रहे हैं, खाइए। जूठन खाते, खाइए। मरा हुआ चूहा खाते, खाइए। खाकर दिखाइए। गर्म पानी पीते टैप वाला, गर्म पानी इसलिए बोला क्योंकि वो खारा होता है, वो पानी पीजिए। नहीं कर सकते ना, सब दिखावा। और एक और चीज, ये जो आर्थिक व्यवस्था है ना दर्शकों, ये आर्थिक व्यवस्था का एग्जिस्टेंस है पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन जो होते हैं इन्हीं की आर्थिक व्यवस्था है, सब आर्थिक कंट्रोल इन्हीं का है। अरे एक सांसद जिसको एक साल में सांसद निधि के नाम पर 5 करोड़ रुपया मिलता है, 5 करोड़ रुपया सिर्फ चाय नाश्ते में चला जाता है, सिर्फ चाय नाश्ते में, विश्वास कीजिए मेरी बात, सिर्फ चाय नाश्ते में ये विधायक निधि सांसद निधि जाती है। और जो आदमी, जो व्यक्ति, अरे हटाइए इलेक्शन कमीशन की बात को, इलेक्शन कमीशन कहता है कि 40 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, या नेता नहीं जानता कि 40 लाख नहीं 40 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, तो वो भी करते हैं। बारिश होती है, बारिश पैसों की, बारिश। अरे एक हेलीकॉप्टर उड़ाने में, अगर एक नेता एक हेलीकॉप्टर भी 10 दिन उड़ा देगा तो 40 लाख रुपए छूमंतर हो जाएंगे। 40 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं, क्योंकि ये 40 करोड़ रुपए जो खर्च होंगे ये 400 करोड़ रुपए कमाने का साधन पैदा करते हैं। यही है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। हटाइए झूठी बातों, प्रैक्टिकल बातें करने का वक्त है। तो जनता मुद्दों पर तो बात करती नहीं। हिंदू हृदय सम्राट, ये सम्राट, वो सम्राट, समाजवादी सम्राट, हीरो, बकायदा रील्स बनाते हैं 20-20 सेकंड के, और खुद अभी तक साइकिल से मोटरसाइकिल पर जो नहीं आ पाया वो व्यक्ति रील बनाता है और बताता है कि हमारे नेता को देखो 10 गाड़ियों का काफिला लेकर अभी दिखे, उनकी रील बना रहा है, पीछे गाना चला रहा है जय श्री राम, और खुद साइकिल से प्रमोट होकर मोटरसाइकिल पर नहीं आया। तो ये जनता है जो रंक है, वो नेता है जो राजा है, और वो इसी वजह से क्योंकि समस्या है, इस समस्या को समझना होगा। बाकी नेता किस तरह से रो रहे हैं जरा उसकी एक आपको एक छोटी सी वीडियो है, वो वीडियो आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आज फूट फूट रो रहे हैं। ये वीडियो देखिए। हरक सिंह रावत साहब है, पानी पी रहे हैं, पानी पिएंगे तभी तो आंसू दिखेंगे फिर जो निकलेंगे। और इतना समझिए ध्यान से कि हरक सिंह रावत साहब ताका झांकी कर रहे थे, इधर उधर ज्यादा ताका झांकी कर रहे थे, इसलिए इनको जय श्री राम कह दिया गया, नमस्ते प्रणाम कह दिया गया। और जब नमस्ते प्रणाम कह दिया गया तब काफी मायूस है। ये एक और साहब है, ये बसपा से है, ये तो झोला पटक के रोए हैं, इतना रोए हैं कि बस नहीं चला, वरना सर पटक के रोते और मगरमच्छों के सरदार बनाए जाते, मगरमच्छों की दुनिया के सरदार बनते ये साहब। ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि बसपा ने इनसे कहा तैयारी करो। इन्होंने बताया कि मैं एक साल से तैयारी कर रहा था, एक साल तैयारी की, तैयारी के बाद जो फल मिलना था टिकट, वो फल नहीं मिला, तो फल नहीं मिला तो रोने लगे। ठीक है, तो ये दो नेताओं के जरिए मैंने बस इतना दिखाने की कोशिश की कि ये जो नेता रो रहे हैं ये व्यक्तिगत होने की वजह से रो रहे हैं या फिर सच में आपके लिए। ऑन स्क्रीन लीजिए मुझे, तो ये नेता किस वजह से रो रहे हैं इस चीज को देखना बहुत आवश्यक है। क्या ये सच में आपकी वजह से, क्या सच में शोषित वंचित जो रटी रटा एक स्क्रिप्ट है, बेरोजगार महिला दलित ओबीसी पिछड़े, इनके लिए रो रहे हैं या खुद के लिए रो रहे हैं? क्योंकि जो एक घर से दूसरे घर जाने का अवसर तलाश रहे थे लेकिन अवसर उतना मिल नहीं पाया, लेकिन उससे पहले ही पुराने घर से भी दखल बेदखल हो गए, वो रो रहे हैं जिन्होंने खूब तैयारी की, समाज सेवा की, लेकिन आज टिकट नहीं मिला तो समाज सेवा का जो प्रसाद था वो भी नहीं मिला, तो अब वो भी रो रहे हैं। अब बताइए कि रो रहे हैं, और
वो भी रो रहे हैं जो कल तक कह रहे थे कि हम मजबूती के साथ एक होकर लड़े। चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं, वो भी रो रहे हैं कि एक साथ मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो चाहती ही नहीं, वो दलितों के नेताओं को साथ रखना चाहती है, वो भी रो रहे हैं। तो आज राजनीति में जब टिकट वितरण का समय चल रहा है, जब टिकट वितरण का त्यौहार आ चुका है, ये जो पूरा इवेंट चलता है इसमें टिकट वितरण का जब टाइम है, तो काफी लोग रो रहे हैं, मायूस है। लेकिन जो लोग खुश हैं, जो लोग हंस रहे हैं, वो लोग आपको कोई भी डायलॉग पहनाए, शोषित वंचित पिछड़े दलित, लेकिन आप विश्वास करिए, बंद कमरों में बैठकर, आप प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बंद कमरे में बैठकर क्या आपको लगता है कि ये बात हुई होगी? क्या अखिलेश यादव साहब ने जब बैठे होंगे अकेले में स्वामी प्रसाद मौर्य साहब के साथ, तो क्या ये बात की होगी? स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने कहा होगा कि दलित पिछड़े और महिलाओं का वहां सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ आना चाहता हूं, क्या ये बात की गई? थोड़ा सा सोचिए, ऐसा नहीं हुआ। बात हुई होगी कि गणित बताइए कि जीतेंगे कैसे, कितना वोट बैंक है, क्या देंगे क्या नहीं देंगे, गाजीपुर बेल्ट से कितना वोट निकाल कर देंगे, मौर्य समाज का कितना वोट मिलेगा, ये बात हुई। इसको लेकर एक छोटी सी चर्चा है, चर्चा करेंगे, हमारे साथ कपीर श्रीवास्तव साहब जुड़ेंगे और संजय जी जुड़ेंगे, संजय त्यागी साहब जुड़ेंगे बीजेपी से, कपीर श्रीवास्तव साहब जो है वो हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। सबसे पहले कपीर जी आपके पास आना चाहूंगा, आप थोड़ा बहुत सुना होगा मुझे, कपीर जी मैं इतना बता दीजिए, दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्योंकि हमारे लिए ठीक है, आप भी बोलते हैं मीडिया को बताने के लिए ठीक है, जनता तक आपका मैसेज पहुंचा दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य से मैं शुरू करता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने जब बीजेपी छोड़कर सपा में है, तो उन्होंने मीडिया को बाइट दी कि यहां पर शोषित वंचित दलित पिछड़े ओबीसी बेरोजगार छोटे व्यापारी किसी का कोई हित नहीं था, इसलिए अब मैं सपा में जा रहा हूं। अब उनसे अगर मैं 10 काम पूछ दूंगा कि मौर्य समाज के लिए सपा ने क्या किया, तो वो 10 काम नहीं बता पाएंगे एकदम से, वो भी चक्कर में पड़ जाएंगे। क्या बंद कमरे में जब अखिलेश यादव साहब के साथ जब वो बैठे होंगे, तो क्या बंद कमरों में ये बातें हुई होंगी कि वहां पर दलित शोषित वंचित महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, उनके हित का काम नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपके साथ आना चाहता हूं, या फिर ये बातें हुई होंगी कि आप बताइए कितनी सीटों पर हमें जितवा सकते हैं, कितना वोट बैंक आप दिलवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये बात हुई होगी या पहले वाली बात, बताइए। देखिए, दो बातों में इको काफी हो रही है, कम करवाते हैं आप, बोले बहुत ज्यादा कविंद्र भाई, मैं एक बात कहूं जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भी आरोप लगाए, ये समाजवादी पार्टी ये आपस से लगा रही है, क्योंकि वो एक्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार देख रहे हैं, और जो उनके समय में घटनाएं हुई वो भी उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। जिस तरीके से दलित समाज, पिछड़े समाज और साथ साथ अगड़े समाज के ब्राह्मण समाज के साथ भी चुप करें, जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है, यह अद्वितीय है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा वो जाने, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हमारे पास वो आए थे तो हम बहुत पहले से इस बात को जान रहे थे, इस भारतीय जनता पार्टी ने जो फूट डाला और राज करो की राजनीति करी थी वो खुल करके सामने आ गई कि एक यादव का चेहरा दिखा करके विभस्त कर दो और बाकी पिछड़ी जातियों को तोड़ लो। लेकिन आज वो पिछड़ी जातियां अपने आप को तला महसूस कर रही हैं और कैबिनेट मिनिस्टर तोड़ करके उनको आ रहे, और सिफत इस बात की है कि हमारे से जो बात हुई वो सिर्फ इतनी हुई कि एक मजबूत नेता निकल करके आया, दूसरे मजबूत नेता निकल के आए, तीसरे मजबूत नेता निकल के आए, इनको ये साबित नहीं करना कि उनके पीछे जनाधार है कि नहीं। हमने संलयन का काम किया, हम ये देख रहे थे कि हम कैसे पिछड़ी जातियों को, कैसे दलित जातियों को, कैसे सवर्ण जातियों को हमने तोड़ने की राजनीति नहीं की। और जो आप बात कह रहे वो बहुत हद तक सही भी है, ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा मैं ये कह दूं कि नहीं, रविंद्र भाई आपने जो कहा वो सही है, ये मैं नहीं कह पाऊंगा।
लेकिन भारत की चुनावी राजनीति की कुछ बहुत कुछ मजबूरियां भी हैं। हाँ वो ठीक है। और कपीर साहब ये और बताइए, जैसे और आपने कहा कि हर जाति के नेता आए तो हमने उनका स्वागत किया, आप खुद में सक्षम हैं, आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मैं इसको कहूंगा, आप इतनी बड़ी पार्टी है, फिर आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? कविंद्र भाई, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बार बार कह रहे हैं, हम लोगों ने तो संलयन के कार्य किया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने प्रेस वार्ता में भी ये बात रखी कि हमने अपने अपने कार्यकर्ताओं के हित के साथ समझौता किया, सिर्फ इसलिए कि जो ये फूट डालो और राज करो की राजनीति वो समाप्त हो जाए और इनकी सरकार की विदाई तय हो जाए, और यही हमारा कार्यकर्ता भी चाहता है। ठीक है, विदाई तय हो जाए। ठीक है संजय त्यागी जी, रखिए कपीश जी कंप्लीट करिएगा, कपीश जी कंप्लीट करिएगा पहले जी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी साफ गोई से बातें कही, और बाकी जिन लोगों के आंसू चलते हैं उनकी वेदना वास्तव में सीने में थी या लालसा कुछ ज्यादा कर लिए और उनकी चीजें पूरी नहीं हुई, ये हमें उनके ऊपर छोड़ देना। ठीक है, चलिए संजय त्यागी साहब के पास आऊंगा और फिर वापस कपीश जी आपके पास आऊंगा। संजय त्यागी साहब, हरक सिंह रावत को क्यों रुला दिया आपने? नमस्कार सभी को, आप सभी को, और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि बिंदुवार आप मुझे, मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई को सुनने का प्रयास किया धैर्य पूर्वक, और उम्मीद चाहूंगा कि ये भी मुझे धैर्यपूर्वक सुने। पहली बात इनकी आती है समाजवाद, जो इन्होंने नाम रखा हुआ समाजवादी पार्टी, ये समाज में समानता की बात करते हैं। देखिए ऐसा है कि जो पिछड़ों की ये राजनीति कर रहे हैं और पिछड़ों को गोलबंद करने की बात ये कर रहे हैं और पिछड़ों के साथ अन्याय की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़ों के वर्ग में सबसे मजबूत नेता और मुख्यमंत्री देने का काम किया था तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के रूप में। अगर इनसे अभी तक कोई गलती हुई और ये भूल सुधारना चाहते हो, और ये परिवारवादी पार्टी नहीं है और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, और जिन पिछड़ों को ये लामबंद कर रहे हैं, तो अपने परिवार में से अन्यत्र किसी दूसरे दल के मुखिया पिछड़ा नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें, क्या इसमें इन लोगों में इतनी क्षमता है? नंबर एक। नंबर दो, अब ये बात करते हैं कि जी दल बदल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और हमारे में शामिल हो रहे हैं और जन आधार बढ़ रहा। देखिए लोकतांत्रिक भारतीय देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 2017-2019 में भी इन लोगों ने गठबंधन और महागठबंधन बनाए थे, ठीक ठीक है, जनता ने यूपी में भी दिखाया और देश में भी दिखाया, इन गठबंधन बना ले। मैं ये कहना चाहता हूं ये एक धर्म युद्ध है, कौरव भी 100 थे और पांडव 5 थे। धर्मयुद्ध कैसा, धर्मयुद्ध कैसा है, धर्मयुद्ध कैसा है, वैसे समझाइए, हिंदू मुसलमान है? नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वो धर्म युद्ध है। ठीक है, चलिए कपीश जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय जी एक चीज आपने बोली, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। संजय जी एक आपने बात बोली, आपने कहा कि दलितों को पिछड़ों को ये लोग जो कर रहे हैं साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहे, आप भी तो कर रहे हैं, आप भी उनके साथ खाना खा रहे हैं दलितों के साथ। मेरी बात सुनिए, दलित उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, जहां तक दलित की बात है उत्तर प्रदेश के अंदर
अच्छा ठीक है, ये बताइए दलितों के साथ आप खाना खा रहे हैं, आप उनका वोट पाना चाहते हैं, आप नाटक नहीं कर रहे हैं, आप ड्रामा नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? दलितों के साथ जो आप खाना खा रहे हैं, ये ड्रामा है कि नहीं है? मैं बता रहा हूं आपको, उत्तर देश के अंदर प्रथम राष्ट्रपति दलित देने का काम भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा, मेरे को ये बताइए। नहीं, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए भाई। दलित राष्ट्रपति देने का काम, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति देने का काम प्रथम नागरिक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने किया। दलित राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जानकारी सुधार लें आपका। एक मिनट आप, चलिए ठीक है, उधर नहीं जाएंगे। संजय त्यागी साहब, जैसे मैंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो स्क्रिप्ट बता रहे हैं वो एक ड्रामेबाजी, वैसे ही मैं कह रहा हूं कि आपके नेता जो आजकल दिख रहे हैं, मुझे बड़े नेता भी दिख रहे हैं, दलितों के साथ जो खाना खा रहे हैं, ये ड्रामा है कि नहीं है? जी देखिए, मैं मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रदेश और देश की जनता जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये योगी जी जब किसी दलित के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, देश और प्रदेश की जनता देख रही है। देश और प्रदेश की जनता क्या देख रही है? संजय त्यागी साहब, मैं कंप्लीट करता हूं। आपने कहा योगी जी जब दलित के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, तो देश और प्रदेश की जनता ये देख रही है कि दलित को तो बासी रोटी भी नसीब नहीं है, दलित को तो एक समय का खाना भी नसीब नहीं है। गलत। दलितों को तो बहुत सारे दलित ऐसे भी हैं जो आज क्या खाते हैं आप सोच भी नहीं सकते, जूठन भी खाते ऐसे हैं। आप उनके साथ क्यों नहीं खाना खाते? आप बासी रोटी खाइए। गलत। हाँ गलत। जुलाई से लेकर के जब से कोरोना काल भारत, ये आकस्मिक दुर्घटना, ये वैश्विक, संजय त्यागी साहब आप ऑन एयर बैठे हैं, आप ऑन एयर बैठे हैं, आप लाइव बैठे हैं, आप मुझे कह रहे हैं गलत। जी मैं आपको दो ऐसे दलित बताऊंगा जो जूठन खा रहे थे और जो बासी रोटी खा रहे थे, उनको मैं जानता हूं। आप उनके घर पे जाकर खाना खाएंगे उनके साथ? दलितों के जी बिल्कुल स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार। ठीक है, चलिए संजय त्यागी साहब आपको मैं इनवाइट करूंगा, आप जरूर आइएगा। वो किस तरीके से सड़क से बीनकर, आज भी वो बीनकर किस तरीके से लाकर जूठन खाना खाना के मजबूर हैं, उनके साथ आपको बुलाया जाएगा, आप इनवाइटेड हैं, आप खाना जरूर खाइएगा उनके साथ, और फिर वो तस्वीर हम चलाएंगे। लेकिन 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 क्यों, किंतु परंतु कुछ नहीं, आप इनवाइटेड हैं आप। ठीक ठीक है, संजय त्यागी साहब ने ऑन एयर कहा है, हम जल्दी उनको बुलवाएंगे। ठीक है कपीश जी, जब आप देख रहे हैं, जब आप समझ रहे हैं कि ये सब ड्रामा नहीं तो क्या है फिर? तो फिर आप ऐसे नेताओं को पार्टी में एंट्री क्यों दे रहे हैं जो आज हर तरफ यही चर्चा हो रही है? जो जिस पार्टी से वो आए हैं वो लोग कह रहे हैं कि 5 साल तो यहाँ की मलाई खाई, अब चले गए वहां पर जब उनका टिकट कटने वाला था। तो जो ऐसे नेता हैं जो आप कह रहे हैं कि वो मजबूत नेता है, वो तो दरअसल खुद अपनी मजबूती बढ़ा रहे हैं। पिछली दफा किसी और पार्टी में, उससे पहले किसी और पार्टी में, अब आपकी पार्टी में। वो मौसम वैज्ञानिक है, वो देखते हैं कि किस तरफ जीतने की आशा है उसी तरफ चल बैठते हैं। जनता से कोई है नहीं उनका कनेक्शन, विचारधारा भी कुछ है नहीं। आपकी विचारधारा है समाजवादी पार्टी की? जी परसेप्शन जो भी कुछ भी हो, नैरेटिव जो भी कुछ सेट किया जाए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस समाज से वो लोग आते हैं उस समाज के वो पहरुए रहे हैं, उन्होंने उनकी आवाजें उठाई। इसी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पूछती कि 5 साल तक उन्होंने नहीं उठाया तो आप क्यों उठा रहे? लेकिन ये शायद भुलवाना चाहते हैं इस देश और प्रदेश के लोगों को कि 200 विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ विधानसभा पे धरने में बैठे थे, और माननीय देवमणि द्विवेदी जी ने 80 अपराधियों की लिस्ट जो योगी आदित्यनाथ जी की जाति बिरादरी के थे उनको दे करके आए थे। और वही नहीं, उन्होंने बकायदा विधानसभा में रख करके ये भी पूछा था कि 100 ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो अपराध आपके समय में हुआ, 5-5 ब्राह्मण एक साथ काट दिए गए, आप हमें बताइए उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? दोनों पे जवाब मौत, खामोश। ठीक है, अब चक्कर इस बात का है कि ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और ये विश्वास पैदा करने के लिए पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी एक दलित के यहाँ खाना खाने जाते हैं। अरे आप अपने डिप्टी मुख्यमंत्री के यहाँ 4.5 साल में गए, वो भी आरएसएस की फटकार पर, और उनको स्टूल पे बैठा दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही मुख्यमंत्री को पैदल दौड़ा दिया।
तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि इनके आकर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास दिखाई दे रहा है। और इन्होंने एक बात इन्होंने और कहा, मैंने तो कहा आपको, हम लोग तो संलयन कर रहे हैं, हम लोग दलित समाज के भी लोगों को संलयन किए। देखो बहुजन समाजवादी पार्टी के 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने, और हमारी विचारधारा के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हुए, या उनके 9 विधायक जो सिटिंग है इसलिए खड़े हुए क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, और खुल करके किया उसने राज्यसभा में और कहा कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम करेंगे। वो अपनी विचारधारा को त्याग दिया उन्होंने, ठीक है, और चाहे तोता मैना की वजह से त्यागा, चाहे जिसके वजह से भी त्यागा, लेकिन उन्होंने त्यागा तो उसका यह मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम बीजेपी ने किया है या नहीं, सच बताइएगा। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए हम क्लैपिंग कर दे रहे हैं। अगर ये किया, हमें एक बात बता दीजिए, मैंने पूरा एक्ट पढ़ा है क्योंकि मैं एक खुद जो है एक लॉयर हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर। हमें आप एक बात बता दीजिए, 3 तलाक के अंदर अगर आप भरण पोषण का अधिकार नहीं दे रहे हैं और आप सजा उसके पति को करा रहे हैं, तो वो बताइए कभी अपने पत्नी के साथ संलयित होगा, कभी जुट सकेगा, या कभी जो है जिसको जिसको आपने सजा करा दी वो अपनी पत्नी स्वीकार करेगा या भरण पोषण देगा, ठीक है। लेकिन आपकी पार्टी के अब जो सहयोगी दल बन गए हैं और वो नेता है बड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, वो तो कहते हैं कि बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम किया है, आज भी वो ये बात कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा लगता कि वो कह रहे हैं उनका वर्जन होगा, मैंने तो आपको एक विधिक दृष्टि से चीजों को रखा है। कविंद्र भाई, आप क्योंकि पत्रकार हैं और आपका जो न्यूज चैनल है वो लंबे दूरी तक ये इस बात को फैलाएगा कि जो हमने बात कही है विधिक रूप से, क्योंकि इसकी जानकारी सबको नहीं है, जो हमको जानकारी है वो सबको नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा। मैं तो एक बात और कह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी उन हिंदू बहनों ने क्या दुष्कर्म कर दिया था, क्यों आप उनके साथ खड़े नहीं है जो बिना किसी तलाक के छोड़ दी गई है रावणों के चरने खाने के लिए, तो उनके ऊपर भी कुछ कर लिए होते, कम से कम उनके ऐसे पतियों को जो कि बिना कारण के छोड़ दिए हैं और भरण पोषण भी नहीं दे रहे हैं और तलाक भी नहीं दे रहे हैं, उन पे भी तो कुछ क्रिमिनल कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन उन पर नहीं बनाएंगे कानून। तो ये हमारी हिंदू बहनों के साथ अपमान क्यों? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 समय इजाजत नहीं दे रहा इसलिए माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कपीस जी आपका भी, संजय साहब आपका भी। अगली दफा जब जुड़ेंगे तब इस मुद्दे को आगे खींचते हुए खूब चर्चा करेंगे। आज के लिए माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी सी कमी थी, तो आज जो मैंने बातचीत करनी थी, जो रखनी थी, वो सब मैंने रखी। आप पूरे कार्यक्रम को देखा, मेरी अगर कोई भी बात आपको ठीक लगती है तो जरूर बताइएगा। फिलहाल शुक्रिया। देखिए भारत @9 कावेंद्र चौहान के